हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं श्री नैना देवी चुनाव क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश भाजपा सरकार के जनमंच कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं तथा सरकार पर जनमंच के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार जनमंच के नाम पर सरकारी खजाने की लूट कर रही है, वही इससे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी कार्यक्रमों की अध्यक्षता कर रहे हैं। जब उन्होंने श्री नैना देवी में आयोजित जनमंच में भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता का विरोध किया तो उसके बाद उनसे माइक ले लिया गया, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री एक तरफ बैठे रहे। इस कार्यक्रम को आने वाले लोकसभा चुनावों की दृष्टि से चलाया गया है, वह इसका राजनीतिकरण हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनमंच और प्री जनमंच के नाम पर अधिकारियों को अधिक व्यस्त रखा जा रहा है। अधिकारी माह के 15 दिन फील्ड में होते हैं तथा सप्ताह का पहला सोमवार मंडे मीटिंग की भेंट चढ़ जाता है, जिसके कारण आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। देखो, ये जो जनमंच का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चलाया है, मैं कहूँगा ये सरासर पार्लियामेंट के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये जनमंच कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम चलाया है। सरकारी खजाने से एक जनमंच के ऊपर 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलता है, और फिर ये है कि जनमंच के लिए प्री जनमंच सारे ऑफिसर 15 दिनों तक उसमें फील्ड में रहते हैं, दफ्तर में कोई नहीं मिलता। हर सोमवार को डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में सारे ऑफिसरों की मीटिंग जो है वो हर सोमवार को हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा है जो जिसका हर हफ्ते में सोमवार को जो है ना उसका निपटारा होता है। और जितने भी वहाँ पे केसेस आए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो DPRO ने दी जो के भी जी वहाँ पे 103 केस नहीं थे, 154 केस थे। DPRO 103 बता रहा है, निपटारा 58 का हुआ। पर मैं ये पूछना चाहूँगा 58 भी कौन से हैं, वो कौन से केसों का निपटारा हुआ जो है ना। ये बोलो कि जी लोगों को जो है ना हमने दवाइयाँ दे दी, वो भी निपटारा हो गया। जब तुम्हारे पास ना डॉक्टर है ना मास्टर है, स्कूल खाली पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल खाली पड़े हुए हैं, पीने के पानी की स्कीमों में गंद पड़ा हुआ है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, 90% केसेज जो है वो पीने के पानी के बारे में थे, और जिसमें मैं कहूँगा कि लीपापोती हुई, और फिर जिन्होंने दरख्वास्तें दी वो भी नहीं सुनी। मंत्री 11 बजे के बाद आया, और जब आया तो वहाँ पर जाके भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं वो जो है ना मीटिंग को करना शुरू कर गया। हमने विरोध किया कि भाई चेयरमैन मंत्री है, ये बीजेपी का जो है ये पदाधिकारी थोड़ा।